भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर चित्तौड़ में मास जनसंपर्क अभियान के तहत जनसभा रैली को संबोधित किया। इस दौरान सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की तस्वीर बदल दी है। 2014 में सत्ता में आने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के उद्देश्य से कार्य किया है। इसके साथ ही सीपी जोशी ने गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यहाँ की सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के बजाय पेपर आउट करके उनका भविष्य बर्बाद कर रही है। भ्रष्टाचार से युक्त जन विरोधी प्रदेश की सरकार हर वर्ग के कसौटी पर विफल रही है। इनके शासन में सचिवालय भवन में व्यापक भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बन रहे हैं। सीपी जोशी ने गहलोत सरकार द्वारा चलाए जा रहे महंगाई राहत कैंप पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर शिविर क्यों लगाए जा रहे हैं। सही मायने में मदद करनी है तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी करते हैं वैसे करें, सीधे किसानों के अकाउंट में पैसे डालें। गहलोत सरकार जनता की सच्ची हितेशी नहीं है। वक्त आने पर जनता फैसला करेगी और जनहित में सरकार यानी भाजपा को चुनेगी। इसके साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में भी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी। जो 60 वर्षों